महागठबंधन के एगो बड़ा कैंसन दे देले 5 सीट के डिमांड करे। 32 साल से दोनों आदमी जौन बिहार पर कुंडली मार के बैठल बड़े, इनका से बिहार के विकास कबो ना। और ऐसा स्थिति में तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक दोजक में पेच में फंस गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सत्ता से बिहार के उतारे खातिर अपन क्रिया तक ले खा ले। डरे डरावे के कहानी लिखात बा, डरे डरावे के कहानी लिखात बा, शीशा के घर में पत्थर तौलात बा, शीशा के घर में पत्थर तौलात बा। ई अलग बात बा, ई अलग बात बा, केकरा का औकात बा, ई अलग बात बा, केकरा का औकात बा, पिंजरा वाला तोता हब की चर्चा सुनात बा। गोर लागत नहीं, हियरा से अभिनंदन बा, खूटा ठोक। और आज कुछ नया नया चीज रुआ लोग के सामने रखे आई बनी, कारण कि पिछला 24 घंटा में बिहार के राजनीति खाली फिर से जबरदस्त करवट ले लेबा। जाए के रहे कहीं, पहुंच गई नहीं कहीं। नीतीश कुमार पटना से जब निकल रहन तेजस्वी यादव के साथ तो कर्नाटक पहुंचे के रहे और कर्नाटक से वापसी रहे, लेकिन अचानक से कर्नाटक से जहाज दिल्ली के तरफ घूम गई। और दिल्ली के तरफ घूमे से पहले बहुत सारा चीज नजर आई। एकरा में सबसे पहले ई नजर आई कि उन्हें जैसे ही निकल लोग वैसे ही नीतीश कुमार के खेमा में बवाल शुरू हो गई। अचानक से जीतन राम मांझी के पुत्र, अब तो उनका के जीतन राम मांझी के पुत्र से ज़्यादा उनका के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रुआ लोग जानी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जौन की नीतीश सरकार में मंत्री भी बढ़न, उ अब महागठबंधन के एगो बड़ा टेंशन दे दिले 5 सीट के डिमांड करे के। ई बात रुआ लोग से पहले भी बतौले रही और उनका प्रवक्ता से बातचीत के दौरान ई बात हम रुआ लोग के सामने रखवैले रही कि 5 सीट के उनका डिमांड बा। और एकरा साथ साथ डिमांड उनकर और भी कई डिमांड बा जौन कि उनकर पूरा नइखे भई, ओकरा के लेकर के भी काफ़ी उनका भीतर रोष बा। और ई बता रहल बा कि कहीं ना कहीं अब जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के माध्यम से कोई बड़ा फैसला ले सकेले। नीतीश कुमार ने विपक्ष के एकजुट करे में लागल बड़े, तब तक जीतन राम मांझी जा करके अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेते रहे। एकर मतलब का कहल जाओ, हालांकि वो अभी भी दावा कैले है 3 दिन पहले के उनका बयान आई बा कि बाड़े तो नीतीश कुमार संग है। रुआ उस कहानी सुन लो कबनो कि एगो बड़ी कंजूस आदमी रहे, जब ओकरा कहे के हो जाए नू तो बड़ी आदर सत्कार करे, और जब कहे कि अच्छा चाय हो तो पियब नू, तो जब कहे कि अच्छा अच्छा ठीक बा पियाई, तो हेने सामने बैठल बा तो ऐसे हाथ कर कहे कि चाय 5 गो ले आई है। एकर मतलब बा कि इशारा करता 5 गो अंगूरी, लेकिन कहता कि ना 5 गो मत ले आई है। इहे स्थिति एने हो गई बा। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार भरोसा नहीं करत जीतन राम मांझी पर, कारण कि खुला मंच से पूर्णिया में बात कहले रहन कि एने ओने मत जाइए, जो देंगे सो हम ही देंगे, और ये बात बड़ा तकलीफ दे लागर है जीतन राम मांझी के, तब उनका पार्टी के लोग के भी लागर है, जना पर रिएक्ट भी कैले रहे लोग। लेकिन अब गठबंधन के भीतर बवाल मचल बा, पार्टी के भीतर उनका बवाल मचले बा। एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी टेंशन में रहले रहे, तब तक ले तीसरा मोर्चा के सुखबुगाहट तेज हो गई बा, ताल ठोक दिले बा। तीसरा मोर्चा में सबसे पहला जो बात बा वो कहीं ना कहीं एक आदमी ताल ठोक ले बा, और ये आदमी बाड़े प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में अलग अलग यात्रा कर रहा बाड़े, और वह यात्रा के बाद जो निकल करके सामने आ रहा बा उरुआ के साफ बतावत हुई कि प्रशांत किशोर बिहार में नस नबज ध लेले बाड़े, और ये नस नबज के पकड़ के वो आगे के रणनीति बना रहा बाड़े जौन कि देखे के मिलल अभी MLC के चुनाव में। एकरा बाद प्रशांत किशोर के कहना बा कि 32 साल से दोनों आदमी जौन बिहार पर कुंडली मार के बैठल बड़े, इनका से बिहार के विकास कबो ना होई। बात अतने नहीं खे, एकरा अलावे जौन बा तीसरा मोर्चा के कवायद ऐसे हम बता रहल बानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ऑफर लेकर के ऑफर लेटर लेके खड़ा बा, पहले ही से वो अपन कुर्सी टेबल लगा के बैठल बा कि आवो आवो हमरा भी आवो हमरा भी आवो। दूसरा तरफ नीतीश कुमार विपक्ष के एकजुट करे खातिर और साफ ही कहता है कि हमरा कुछ ना चाहिए तो लोग एक संगे हो जा लो, लेकिन एक पीछे के कहानी रो मालूम बा और वो समझ सकता नहीं कि नीतीश कुमार के मनसा का बा। लेकिन कर्नाटक में विपक्ष के एकजुट ना होना, शक्ति प्रदर्शन में कमजोरी दिखाना, कहीं ना कहीं ये बात का तरफ इशारा करता कि नीतीश कुमार अपना रणनीति में अपना कार्यक्रम में सफल नहीं खन।
अब एकरा पीछे रणनीतिक कारण जो भी होके कहीं ना कहीं फेलुअर जरूर बा। ये सब बात के लेकर के उस सोनिया गांधी से मुलाकात करे गई बाड़न। और ये तीसरा मोर्चा जौन लोग भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन यानी जो कांग्रेस नीतीश कुमार और राजद मिलकर बनावत रहे वो गठबंधन से अलग जे लोग हुई यानी कि गैर भाजपा और गैर महागठबंधन के जौन दल हुई हैं वो दल ये तीसरा मोर्चा के हिस्सा हो सकेले। लगातार प्रशांत किशोर के प्रयास चल रहा और देश भर में रुआ देख लो कि कभी KCR तो कभी शरद पवार तो कभी ममता बनर्जी ये सब लोग अपन अपन प्रयास कर चुकल बा मोर्चा बनावे खातिर। अब ऐसा स्थिति में तीसरा मोर्चा कितना कामयाब रही ये अलग बात बा, लेकिन प्रशांत किशोर एगो बात कह के पूरा समझी कि एक तरह से हड़होड़ मचा दिले वाले कि 2024 से पहले 2025 के रिजल्ट वो लोग जान ली। 2024 में चाहे जौन सरकार बने वो अलग बात बा, हालांकि वो तो यो बात कह चुकल बड़े कि नरेंद्र मोदी के 2024 तक हराना बड़ा मुश्किल बा, आगे 2029 में जौन होके, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से वापस आई हैं। और प्रशांत किशोर रोजान तानी कि आंकड़ा के बाजीगर हवे। ये बात जब सच्चिदानंद राय से पूछले रही तो वो कहले रहन कि हमरा लगे लोग बा, व्यवस्था बा, जमीन बा, और प्रशांत किशोर लगे आंकड़ा बा, डाटा बा, ये दोनों के मिलान हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार में एक नया परिवर्तन हुई। 2024 के चुनाव से ज़्यादा 2025 पर प्रशांत किशोर के फोकस बा, और 2025 के फोकस साफ बता रहे बड़े प्रशांत किशोर कि ना तो महागठबंधन और ना भारतीय जनता पार्टी में वो कुवत बा कि सत्ता में वापस हो जाए। यहाँ तक ले कि वो सम्राट चौधरी के जो कमान मिलल बड़ुए उकरा के लेकर के भी बड़ा तंज कसले है कि इनकर पुरान आदत बा कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उबारे खातिर आए बड़े जौन की संभव नहीं खे। बिहार के लोग चेत गई बा अब ये लोग के झांसा में ना आई। का हुई ये तो अलग बात बा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रहा बा कि रिजल्ट तो बता रहा बानू, लेकिन एकरा साथ साथ एक और बात बड़ी मजबूती के साथ आ रहा बा सामने कि नीतीश कुमार जब अपना अभियान में सफल नैकन होत देखात अब तक ले जितना प्रयास कैले जहाँ से चल रहन वही फिर 9 दिन चलनी अढ़ाई कोस वाला कहानी जो रुआ सुनले बानी वो स्थिति सामने आ गई बा। और ऐसा स्थिति में तेजस्वी यादव पूरी तरह से ए दोजख में पेच में फंस गई बा। अब ये पेच से निकले खातिर तेजस्वी यादव के प्रयास जारी बा, और कभी भी संभावना व्यक्त कर जा रहा बा कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अभी तख्ता पलट ना कर पैले तो आगे आवे वाला 24 में भी उनकर संभावना कम बा। हालांकि तेजस्वी यादव के तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रहा बा, और दोनों आदमी अगर साथे रह जास तो 2024 में भी माने कागज पर लौक रहा बा कि दोनों के आंकड़ा मजबूत बा और जीत के दहलीज तक पहुंच सकल लोग। लेकिन प्रशांत किशोर के बाद और अगर भारतीय जनता पार्टी के बात सुनी तो साफ नजर आ रहा बा कि परिवर्तन करे खातिर जहाँ एक तरफ प्रशांत किशोर अपन खूटा गाड़ दिले बड़े तो ये भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सत्ता से बिहार के उतारे खातिर अपन क्रिया तक ले खा ले बा। अब देखे वाला बात हुई कि आगे का होता, लेकिन अभी तत्काल जो स्थिति बा ओकरा में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के मुलाकात से निकल के काया होता। कारण कि कर्नाटक में जो खेला रचाई रहे भारतीय जनता पार्टी के अपन ताकत दिखावे के रहे वो ताकत दिखावे में कहीं ना कहीं पिछड़ गई नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार के प्रयास। अब बिहार में का हुई पहले तो ये सुन लो खबर हुआ कि बिहार में का बा, लेकिन बिहार में का हुई ये बात देश और दुनिया इंतजार करके टकटकी लगा के देख रहा बा। नीतीश कुमार कितना सफल होता रहे ए पर ये देश और बिहार के भविष्य के साथ साथ विपक्ष के जो सपना बा टिकल बा। खुटा ठोक में रुआ लोग से ये विदा लेता नहीं, काल फिर भेंट हुई नया विषय हुई। एकरा पहले रुआ लोग से निहोरा बा कि रुआ लोग अपना हित नाता गोतिया पटदार संगी सलेहर जे भी बा ओकरा के कहीं कि खुटा ठोक के सब्सक्राइब कर ले लोग, और राजनीति के खबर अगर रुआ लगे बा रुआ भोजपुरी में चाहे जौन भाषा में रुआ बोली ले बतियाई ले वो भाषा में बोली बतियाई लिखी पढ़ी रुआ लोग के स्वागत बा। गोड़ा लगा था।